हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ TVS की रोनिन। और ये एक ऐसी गाड़ी है जिससे आप लंबे ट्रिप कर सकते हो, टूरिंग कर सकते हो, इसमें बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आपको लगता है कि इंडियन मार्केट में रॉयल इनफील्ड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप गलत हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ TVS की रोनिन, क्या कुछ आपको इसमें मिल जाता है टूरिंग करने के लिए, क्या कुछ हेल्प कर देती है इस बाइक में, वो सारे फीचर्स आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें बहुत ही बढ़िया LED हेडलाइट सेटअप मिल जाता है जिससे ब्राइटनेस का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई कार आ रही है। और इसमें जो आइकॉनिक TVS का T बना हुआ है वो आपकी गाड़ी को दूर से ही पहचानने में मदद करता है। साथ में अगर आप देखेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा माउंट किया गया है, इससे क्या होता है आपका जो टायर किस तरफ जा रहा है वो ब्लॉक आप ज़्यादा पास तक का देख सकते हो, आपको विजन ज़्यादा क्लियर मिलती है सामने की तरफ। हैंडल चौड़े हैं जिससे आप खराब रास्तों में भी आसानी से हैंडलिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर गाड़ी का वजन बढ़ता है तो आपको हैंडलिंग वाइड चाहिए होती है ताकि आपकी हैंडलिंग अच्छी हो सके, क्योंकि गाड़ी का वजन 165 kg है जो कि बहुत होता है। अगर आपने कम्यूटर बाइक ही चलाई है आज तक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। कंपेयर करें रॉयल इनफील्ड से तो रॉयल इनफील्ड की किसी भी 350 cc की बाइक का जो वजन होता है 195 kg होता है, उससे ये फिर भी कम है। इंजन कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 225 cc का इंजन मिलता है जो कि सेम पावर आउटपुट देता है रॉयल इनफील्ड के 350 cc इंजन के बराबर। तो मुझे लगता है कि 350 cc का भारी भरकम इंजन खरीदने से अच्छा जब पावर अपने को उतनी ही मिल रही है तो अपन 225 cc की रोनिन में चल सकते हैं। रॉयल इनफील्ड के 350 cc के इंजन में आपको इंजन कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता है, जबकि इसमें आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम मिल जाता है जिससे आपके इंजन की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इंजन रिफाइन हो जाता है और आप लॉन्ग ट्रिप में भी कम फ्यूल इमिशन होता है। होता क्या है, अगर इंजन हीट करता है तो आपको जो हीट है इंजन की आपके पैर पे लगेगी, उससे गाड़ी का माइलेज भी कम होगा, वो चीज़ें इसमें आपको नहीं होगी क्योंकि ऑयल कूल सिस्टम के साथ जो इंजन का हीट सिस्टम है वो मैनेज रहता है, ज़्यादा हीट नहीं हो पाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, वहीं रॉयल इनफील्ड में आपको 13 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है। सिटिंग 2 लोगों के लिए काफ़ी है, लेकिन इसमें आप 3 लोगों को नहीं बैठा सकते। चौड़ी सीट डिसेंट सी है, सीट की कुशनिंग डिसेंट है। रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है रोनिन में, लेकिन ये वजह नहीं हो सकती कि आप रोनिन को ना खरीदो, क्योंकि इसे इम्प्रूव भी किया जा सकता है, कस्टम भी करवाया जा सकता है। लेकिन आप इंजन का काम जो रॉयल इनफील्ड में आपको कम मिल रहा है वो आप आफ्टर मार्केट नहीं करवा सकते हो। अब बात करें एग्जॉस्ट नॉट की, तो क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं दिया मुझे कंपनी ने तो मैं आपको वो नहीं सुना पाऊंगा। फुल्ली मेटेलिक बॉडी होने वाली है, फ्रंट मडगार्ड से टेल मडगार्ड भी आपको मेटल में मिलने वाला है, फ्यूल टैंक मेटल में मिलने वाला है। TVS की गाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज़ फाइबर में मिलेगी, यहाँ पे आपको साइड पैनल भी मेटेलिक मिलने वाले हैं। वेरिएंट तो वैसे काफ़ी सारे हैं, जो हमारे सामने खड़ा हुआ है ये स्पेशल एडिशन डुअल टोन बॉडी के साथ कहलाता है, क्योंकि डुअल टोन कलर में आता है, सामने की तरफ ग्रे है, पीछे की तरफ व्हाइट है, रेड स्ट्रिप है, तो ये चीज़ें इसको डुअल टोन सेगमेंट में डाल देती हैं। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है इस वाले वेरियंट में, इसमें जो लोअर वेरियंट है उसमें आपको सिंगल चैनल ABS भी मिलेगा, क्योंकि ये डुअल चैनल ABS है ऑब्वियसली इसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो इसकी ऑन रोड प्राइस जो है तो सतना शहर में 2,23,000 रुपये ऑन रोड है, सारी एसेसरीज के साथ RTO इंश्योरेंस जो भी सतना और शोरूम की तरफ से मिलेंगे उसके साथ बता रहा हूँ, सब कुछ आपको इसमें इंक्लूड होगा। अगर आप एसेसरीज नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली वो चीज़ें कम हो जाएंगी, आप अपने से इंश्योरेंस लेते हो जिसकी कॉस्ट कम आती है तो वो भी आपका कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है। स्टाइलिंग की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि स्टाइलिंग की ज़रूरत होती है टूरिंग बाइक में, कम्फर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। कम्फर्ट जब मेरे जैसा 6 फीट का आदमी जब इस बाइक में बैठता है तो बहुत ही कमांडिंग पोजीशन मिलती है, बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है इसको चलाने में। हालांकि ये मैं रॉयल इनफील्ड में भी इस चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कमांडिंग पोजीशन आपको उसमें भी मिल जाती है। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं 3, रेन, अर्बन, स्पोर्ट्स। तो अगर आप जहाँ पानी भरा हुआ है वाटर वेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप रेन मोड में भी डाल के इसके ग्रिपिंग वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपको अच्छी कंट्रोल मिल जाती है। अगर आप सिटी में चला रहे हो तो अर्बन मोड में चला सकते हो, जिससे आपका माइलेज भी अच्छी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें मोड्स की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। और साइलेंसर का नोट पर्सनली बताऊं तो मुझे रॉयल इनफील्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगता है इसका इंजन नोट। इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो कि USD होने वाला है। USD होने की वजह से इसकी जो थिकनेस होती है ना वो ज़्यादा बड़ी होती है, जस्ट बिकॉज दे आर USD सस्पेंशन। USD में सस्पेंशन जो होते हैं USD सस्पेंशन उनको बोलते हैं, जो कि
जो उनका ट्रेवल वाला डिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ होता है व्हील की तरफ। नॉर्मल जो यूएस सस्पेंशन होते हैं टेलीस्कोपिक, उनका जो सस्पेंशन होता है या ट्रेवल वाला पार्ट होता है वो व्हील के ऊपर होता है, इसमें नीचे की तरफ होता है, इसलिए इन्हें यूएसडी कहा जाता है। अब इंजन स्पेसिफिकेशन डिटेल में बता देता हूँ, अगर आपको कंपेयर करना है तो मैं कंपेरिजन के हिसाब से बता देता हूँ रॉयल इनफील्ड से। तो इसमें आपको कंपनी क्लेम कर रही है कि 45 केएमपीएल का माइलेज मिलेगा सिटी के अंदर हाईवे पे 50 का, वहीं आपको रॉयल इनफील्ड पे 35 से 40 का ही माइलेज मिलता है। इंजन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें आपको 225.9 ऑलमोस्ट 226 सीसी का इंजन है, वहीं रॉयल इनफील्ड में आपको 350 सीसी का इंजन मिलता है जो कि कंपेरेटिवली बड़ा इंजन कहलाएगा। लेकिन इन पावर की बात करें तो इसमें 20 पीएस की पावर मिलती है, रॉयल इनफील्ड में भी आपको 20 पीएस की पावर मिलती है। टॉर्क इसमें आपको 19 के एनएम का मिलेगा, उसमें आपको टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है जो कि 27 एनएम का होता है। टॉर्क आपको बेसिकली पहाड़ों में चलने में मदद करता है, लेकिन इस वेट के साथ अगर आप इसमें 130 किलो एक राइडर है उसके साथ कुछ लगेज है, 130 केजी से कम ही होगा उसे लेके चलते हैं, तो इस वेट के साथ, इस पावर के साथ, इस टॉर्क के साथ आपको माउंट में चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप हिमालय के पहाड़ भी चढ़ रहे हों। इंजन की बात करें तो ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल ओवरहेड कॉम्साफ्ट के साथ आता है। फ्रंट और डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाता है, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें, आपको सिंगल चैनल चाहिए डबल चैनल एबीएस चाहिए तो वो ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्क सभी वेरिएंट में मिलने वाले हैं। ऑयल कूल्ड इंजन होता है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ऑयल कूल्ड में जो इंजन का ऑयल होता है हीट होने पे रेडिएटर में सर्कुलेट होता है और ठंडा होकर वापस इंजन में चला जाता है, जिससे हीट जो है रिड्यूस होती रहती है बड़े राइडिंग के साथ। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल, सारी इन्फॉर्मेशन जो है तो आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिल जाती है, मोबाइल कनेक्टिविटी के भी फीचर मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। एक्सीलरेशन देख लेते हैं, तो इसमें अगर आप 0 से 80 की स्पीड पकड़ने में आपको 8 सेकंड का टाइम लगता है, जो कि मुझे लगता है कि एक टूरिंग बाइक के लिए काफ़ी होने वाला है। लेंथ इसकी 2 मीटर है, 2040 mm, लगभग 2 मीटर जितनी लंबी है। और हाइट इसकी, हाइट जब अपन बात कर रहे होते हैं तो इसका लोवेस्ट पॉइंट और इसका जो मिरर जो कि लगभग यहाँ आएगा वो 1170 mm होता है, और सीट हाइट की बात करें तो 795 mm होता है। अगर 800 mm से कम है तो मुझे लगता है कि इससे 5.5 फीट का आदमी भी आराम से हैंडल कर सकता है। इसकी हाइट जो है तो 795 mm है, यानी कि 800 mm से 5 mm कम है, तो आपकी हाइट अगर 5 फीट है या उससे भी थोड़ी बहुत कम है तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो इस मोटरसाइकिल को, जबकि रॉयल इनफील्ड की जो हाइट होती है ना वो 810 एमएम होती है। आपको हैंडलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपकी हाइट कम है। तो डिजाइन एलिमेंट में इसका यूएसडी सस्पेंशन भी 4 चांद लगा देता है, क्योंकि गोल्डन कलर के सस्पेंशन दूर से ही आपको अट्रैक्ट कर देते हैं। वहीं आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, फ्रंट में अलॉय व्हील मिल जाता है आपको स्टैंडर्ड ट्यूबलेस टायर के साथ, जबकि रॉयल इनफील्ड में आपको स्पोक वाले व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर नहीं मिल सकते हैं। इसमें इस रिम के ऊपर भी आपको रेड कलर से ग्राफिक्स मिल जाते हैं जो कि गाड़ी को अट्रैक्टिव बनाते हैं। मडगार्ड मेटेलिक होने वाला है, यूएसडी सस्पेंशन ये ट्रेवल डिस्टेंस वाला जो पार्ट है नीचे की तरफ है, वही नॉर्मल वाले टेलीस्कोपिक में यहाँ पे होता है इसे ही। यहाँ पे जो हेडलाइट है ये फुल्ली LED मिलती है, जहाँ की मुझे लगता है कि रॉयल इनफील्ड में ये चीज़ें आफ्टर मार्केट ही अपडेट होती हैं। आइकॉनिक TVS का टी बना दिख जाएगा जो कि गाड़ी को अपेलिंग बनाता है। LED इंडिकेटर मिल जाता है, कंपनी फिटेड हैंड लीवर आप देखोगे और ब्रेक लीवर, तो ये दोनों ही आपके पाम के हाइट, हाथों की लंबाई के हिसाब से एडजस्टेबल हैं। अगर आपके हाइट कम है तो ऑब्वियसली आपके हाथ की लंबाई कम होगी, तो आप इसे घुमा के अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इग्निशन देखिएगा कुछ इस टाइप का मिलता है। इसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर है। न्यूट्रल गियर स्पीड, RPM मीटर, फ्यूल लेवल एवरेज, ये रेन मोड पे है तो अगर देखिएगा मैं इसका मोड चेंज करता हूँ तो यहाँ पे अर्बन और रेन मिल जाता है। यहाँ पे आप 2 बटन देखोगे जिससे आप सेट और इसके टाइम ट्रिप वगैरह सेट कर सकते हो। फ्यूल लिट कुछ इस तरह की स्पेशल एडिशन की बैजिंग यहाँ पे TVS का घोड़ा जो कि 3D में होने वाला है। यहाँ पे कुछ डिजाइन एलिमेंट रोनिन की बैजिंग, यहाँ पे आपको एक की पॉइंट मिलेगा जिससे आप सीट को रिमूव कर सकते हो। सीट की हाइट कम है ऑब्वियसली, एक तो ढाई हाथ जितनी है, तो सीट की लंबाई कम है। कुशनिंग डिसेंट सी है, थोड़ी और इम्प्रूव की जा सकती थी। रॉयल इनफील्ड से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रहेगी आपको। ये जो ग्रेब्रेल है ये मेटेलिक पाइप है जो कि हैवी ड्यूटी है, तो मुझे लगता है कि आप कार्ड वगैरह बांधते हो, यहाँ पे लगेज वगैरह बांधते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये भी मडगार्ड जो है मेटेलिक का है, साड़ी गार्ड मिल जाता है। चैन कवर फुल्ली चैन को कवर किया गया है जो कि फाइबर का है। यहाँ पे रियर में भी आपको 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा 130x70 mm के ट्यूबलेस टायर के साथ, अलॉय व्हील मिल जाता है। स्विंग आर्म कुछ ऐसा मिलता है जो स्टाइलिश है, देखने में अच्छा लग रहा है ये चीज़ें भी। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सिस्टम के साथ आता है। रियर फुटरेस्ट जो है वो
बहुत ही पतला है ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी सीट भी छोटी है, तो रियर में शायद ही कोई बैठना इसके पसंद करेगा। डिसेंट से हैं, गियर लीवर जो है वो भी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। यहाँ पे इसका रेडिएटर है जो कि ऑयल कूल्ड इंजन में होता ही है, कुछ इस तरह का रेडिएटर मिल जाएगा यहाँ पे। रियर में जो लाइट है वो भी काफ़ी स्टाइलिश है, इस तरह की टेल लाइट आपको किसी महंगी स्पोर्ट्स बाइक में ही देखने को मिलेगा। LED टर्न इंडिकेटर, डिस्क ब्रेक, ABS के साथ कुछ ब्लैक कलर का मफलर है जो कि साइलेंसर को पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक कवर करके रखता है ताकि इसका राइडर या पिलियन राइडर जले ना। एनीवे आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।